साइबर अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में देवघर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने अपराधियों के एक बड़े गैंग का खुलासा किया है। जिले के एसपी को मिली गुप्त सूचना के आधार पर पथरौल, रिखिया, पथरड्डा और मधुपुर थाना इलाके के अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर पुलिस ने 15 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इन अपराधियों के पास से पुलिस को 21 मोबाइल फोन, 28 सिम कार्ड, 1 एटीएम और 4 पासबुक बरामद हुए हैं। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार अपराधियों से पूछताछ कर रही है। आधार पर पथरौल थाना अंतर्गत पथरा, मधुपुर थाना अंतर्गत केसरगढ़, पथरड्डा ओपी अंतर्गत बरदेही से कुल 15 साइबर अपराधी गिरफ्तार हुए हैं, जिनके पास से 21 मोबाइल, 28 सिम, एटीएम 10, 1 और 4 पासबुक बरामद हुए हैं। इनमें से एक अभिषेक कुमार दास पूर्व में साइबर थाना कांड के 49-19 के अभियुक्त रह चुके हैं, जो जेल से ये जमानत मुक्त हैं, फिर से साइबर क्राइम कर रहे थे, दोबारा गिरफ्तार हुए। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।